पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दरबार में लोगों से यह भी कहा कि जिस दिन ऑफिस जाते वक्त मुंबई के हिंदू तिलक लगाकर दफ्तर जाएंगे उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जिस दिन भारत के दो तिहाई तीन तिहाई हिंदू जग करके मांगने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। नंबर दो, राम राज्य के बाद भारत कैसा होगा? हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन राम की यात्रा पर ना पत्थर घलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा, भारत में जातिवाद मिट जाएगा, हम सब हिंदू एक होकर के जब काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और तुम्हें अब किसी भी पंथ में भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो हिंदू हिंदू नहीं है जो हिंदुओं का विरोध कर रहा है, वो हिंदू हिंदू नहीं है जो अपने धर्म को त्याग कर किसी दूसरे धर्म पर भरोसा कर रहा है।